और आज कानूनी और सियासी तौर पर पाकिस्तान में बानी पीटीआई के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ चांद पर हुकूमत बना सकते हैं। मशवरा है मौला जट की सियासत तर्क करके जमहूरी और कानूनी रास्ता निकालें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रमजान के बाद मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा, मुद्दत भी पूरी नहीं कर पाएंगे। 9 मई के किसी नामजद मुलजिम को नहीं बख्शा जाएगा। आईनी और कानून में तरमीम की जरूरत पड़ी तो वो भी हो जाएंगी। तो अगर हम उससे पूछेंगे कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। मैंने तो जो उनको समझाया था उनको उसको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी।